ऐश्वर्या, वेलकम टू माय चैनल ऐश्वर्यास किचन। आज का हमारा रेसिपी है शाही मैंगो रोल, और आप इसको मैंगो पेड़ा भी बोल सकते हैं। अभी लॉकडाउन टाइम है, हम ज़्यादा तो बाहर नहीं जा सकते हैं मिठाई लाने के लिए, तो ये वाला एक मैंगो का यूनिक रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो चलिए आज का रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट हम लेंगे मैंगो प्यूरी। मैंगो का छिलका निकाल के उसका प्यूरी बनाना है। यहाँ पर दूध और वाटर कुछ भी नहीं ऐड करना है। शुगर 4 टेबल स्पून, इलायची पाउडर, ड्राई फ्रूट्स, डेसिकेटेड कोकोनट, मिल्क पाउडर। एक पैन में हम मैंगो प्यूरी को ऐड करेंगे। यहाँ पर गैस आप पूरा लो रखिए, फर्स्ट से लास्ट तक। ऐसे ही हमको इसको स्टर करते रहना है थोड़े टाइम के लिए। 10 मिनट्स के लिए हम इसको स्टर करेंगे। ये वाला एक नया रेसिपी है, मैंगो का सीज़न है। अभी हम इसमें 4 टेबल स्पून शुगर ऐड करेंगे। यहाँ पर मैंने 4 बड़े चम्मच शुगर लिए हैं। आप शुगर अपने हिसाब से लेंगे, क्योंकि मिल्क पाउडर भी ऐड करना है और मैंगो में भी मिठास होता है। अभी देखिए कितना अच्छा सा टेक्सचर हो गया है। अभी हम इसमें हमारा कोकोनट ऐड करेंगे। कोकोनट को आप ऐसे ही पीस लीजिएगा। कोकोनट देने से एक अच्छा सा टेस्ट होता है। आप इसका ऐड करना ऑप्शनल है, आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं। फिर हम इसमें मिल्क पाउडर डालेंगे 1 कप। मिल्क पाउडर एंड कोकोनट से बहुत अच्छा टेस्ट होता है एंड अच्छा सा टेक्सचर भी होता है। बस अभी इसको मिलाते रहना है 30 मिनट्स के लिए। देखिए मैं कैसे स्टर कर रही हूँ। अगर आपको यहाँ पर थोड़ा सा स्टिकीनेस लगता है तो थोड़ा सा पानी ऐड कर लीजिएगा। अभी हम इसमें रू अफज़ा ऐड करेंगे। रू अफज़ा ऐड करने से बहुत ही अच्छा टेक्सचर होता है। मैंने इसे ऐड करके देखा, बट मुझे टेस्ट में, फ्रेग्रेंस में, स्मेल में बहुत ही अच्छा लगा। इसे ऐड करने से और कोई कलर भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। बस ऐसे ही इसको हमें स्टर करते रहना है। अभी हम इसमें कार्डमम पाउडर ऐड करेंगे और इलायची पाउडर। इसको आप पीस लीजिएगा। घर में, सबके घर में तो इलायची होता है, बस आपको इसको घर में पीस लेना है। बस ऐसे ही अभी सब ऐड हो गया है। बस अभी हमें इसको स्टर करते रहना है। अच्छे से स्टर कीजिए, देखिए कितना अच्छा टेक्सचर आ रहा है। अभी हम इसमें 1 टेबल स्पून घी डालेंगे। घी डालने से बहुत ही अच्छा टेक्सचर हो जाता है, फ्रेग्रेंस भी बहुत आता है, क्योंकि हर मिठाई में घी ही मेन इंग्रेडिएंट है। अगर आपके पास देसी घी अवेलेबल है तो आप उसे ऐड करें, बिकॉज देसी घी में बहुत ही अच्छा प्रोटीन्स होता है, विटामिन्स होता है। तो देसी घी हमारे सेहत के लिए भी बहुत अच्छा है। देखिए अभी ये पूरा थिक होना स्टार्ट हो गया है। अब इसको हम एक डफ शेप में देंगे, जैसे हम आटा गूंथते हैं ना, वैसे ही डफ शेप में एक राउंड शेप देंगे। अगर यहाँ पर आपको स्टिकीनेस ज़्यादा लग रहा है तो आप अनदर 1/2 कप मिल्क पाउडर और 1 टेबल स्पून घी डाल सकते हैं। देखिए अभी हमारा बैटर बहुत पूरा परफेक्ट हो गया है। अभी हम इसको हमारे बाउल में ट्रांसफ़र करेंगे और ज़्यादा इसको नहीं करना है। बाउल में ट्रांसफ़र करके अपने हाथों में घी ग्रीस करके इसको डफ में शेप करना है। बस इसको गरम गरम ही करना है, ठंडा मत होने दीजिएगा। अभी हो गया है। अभी हम एक एल्युमिनियम फॉइल पेपर लेंगे और फॉइल पेपर में घी चारों ओर स्प्रेड करेंगे। बस घी डालकर इसको स्प्रेड कर देना है अच्छे से। अभी हम इसको हमारे डफ को लेंगे और एक अच्छे से इसको फ्लैट शेप में रोल करेंगे। देखिए मैं कैसे कर रही हूँ।
एक अच्छे से सॉफ्टली इसको ज़्यादा प्रेस नहीं करना है, बस धीरे धीरे इसको रोल करते रहिए। अभी हम ड्राई फ्रूट्स ऐड करेंगे। यहाँ पर मैंने काजू, पिस्ता, आलमंड्स ये सब लिए हैं, आप ड्राई फ्रूट्स अपने हिसाब से ले सकते हैं। बस अभी हम अपने बेलन से इसको सॉफ्टली रोल करेंगे ताकि ड्राई फ्रूट्स इसमें स्प्रेड हो जाए। बस बहुत ही धीरे से रोल कीजिए, नहीं तो ये फट सकता है। देखिए अभी हम इसको सिलेंड्रिकल शेप में रोल कर लेंगे। यहाँ पर मेरे हस्बैंड ने थोड़े हेल्प किए हैं, सो वेरी मच थैंक्स टू हिम। ये बहुत सॉफ्ट था तो इसलिए मुझे बहुत ही डर लगा इसको रोल करने के लिए। बस धीरे धीरे इसको रोल करिए और फॉइल पेपर में रैप कर लीजिएगा। टाइट से रैप कीजिए जिससे में एयर ना एंट्री हो। अभी हम इसको फ्रीज करेंगे 30 मिनट्स के लिए, फ्रीज़र में ना डालें। अभी हम अपना फॉइल पेपर स्लोली खोलेंगे, बहुत ही धीरे से खोलेंगे, नहीं तो ये फट सकता है। देखिए अभी हम धीरे धीरे इसको ओपन कर रहे हैं। वाह, ये तो बहुत ही पूरा परफेक्ट शेप में हो गया है। मुझे तो इसको देखते ही खाने के लिए इच्छा हो रहा है। अभी हम इसको स्मॉल पीस में कट करेंगे। फर्स्ट आप इसको 2 हाफ्स कर लीजिएगा, फिर धीरे धीरे इसको कट कीजिए। फ्रिज से निकालने के बाद थोड़े टाइम के लिए उसको रख दीजिए, वो नॉर्मल टेम्परेचर में आ जाए, फिर आप इसको कट कर लीजिएगा। देखिए मैं कैसे कट कर रही हूँ। यह वाला रेसिपी बहुत ही यूनिक है। आम तो हम जनरली मैंगो शेक करते हैं या कुछ गर्मी के सीज़न में आम खाते हैं। देखिए कितना परफेक्ट हुआ है। तो ये रहा हमारे मैंगो पेड़ा की यूनिक रेसिपी। आपको ये रेसिपी कैसा लगा, अपने घर में बनाइए और अपना ओपिनियन हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। और सब्सक्राइब करना ना भूलिए और सब्सक्राइब बटन के पास बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू।